हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की। तो देखिए, डीसी मोटर क्या होता है, उसमें जो है कितने टाइप की डीसी मोटर होती है, ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो देखिए, डीसी मोटर इन बोथ केसेज ऑफ शंट एंड सेपरेटली एक्साइटेड द फील्ड इज सप्लाइड फ्रॉम ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज सो दैट द फील्ड करेंट इज़ कॉन्स्टेंट। यानी कि चाहे हम शंट मोटर की बात करें, ठीक है, चाहे हम शंट मोटर की बात करें या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की बात करें, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड दोनों केस में क्या होता है, दोनों केस में ये होता है कि द फील्ड इज सप्लाइड फ्रॉम ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज। फील्ड वाइंडिंग को जो हम करेंट सप्लाई करते हैं, वो एक फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज, इसको एक हम कॉन्स्टेंट वोल्टेज देते हैं। और कॉन्स्टेंट वोल्टेज देने से क्या होता है कि उसके अंदर जो फील्ड करेंट होती है वो भी कॉन्स्टेंट रहती है, फील्ड करेंट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे फर्क ये पड़ा कि चाहे हम शंट मोटर की बात करें चाहे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की बात करें, दोनों ही केस में क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम आती है। इसीलिए हमने इन दोनों को एक साथ लिया है कि चाहे शंट डीसी मोटर की हम लोग बात करें चाहे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की बात करें, चूँकि फील्ड वाइंडिंग को हम कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई करते हैं, उसकी वजह से फील्ड करेंट कॉन्स्टेंट रहती है, इसलिए इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो सिमिलर आती है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है किसी भी डीसी मोटर की। तो करेक्टरिस्टिक सिंपली किन्हीं दो पैरामीटर्स के बीच में, बिटवीन टू डिपेंडेंट क्वांटिटीज, अगर हम ग्राफ खींचते हैं दैट इज़ कॉल्ड करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब जैसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में, यानी हम इसको लिखेंगे स्पीड आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे आएगी और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों आता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कहा कि इसे ये हमने वाई एक्सिस लिया, वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक। इस पे हम क्या दिखा रहे हैं, इस पे हम दिखा रहे हैं आई ए मतलब आर्मेचर करेंट, और इधर हम दिखा रहे हैं स्पीड एन, ठीक है। तो जो हम ड्रॉ करेंगे उसमें क्या होता है कि कायदे से तो इन्हें शंट मोटर में क्या होता है, शंट मोटर में ये होता है आई एस एच इक्वल टू सीधा सीधा वी अपॉन आर एस एच, और वी कांस्टेंट है, आर एस एच कांस्टेंट है, तो क्या होगा कि आई एस एच भी कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। जब वी कांस्टेंट है तो आर एस एच, यहाँ पे आई एस एच की वैल्यू भी कांस्टेंट आनी चाहिए, यानी कि हमको कायदे से तो हमको आई एस एच ये सिंपली हमको ये वैल्यू मिलनी चाहिए इस तरह एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक। लेकिन होता क्या है कि द फ्लक्स डिक्रीजेस स्लाइटली ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि फ्लक्स जो है वो डिक्रीज करता है, और फ्लक्स जब डिक्रीज करता है तो द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज निग्लेक्टेड। अगर हम आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर दें तब तो फ्लक्स रिमेन कॉन्स्टेंट, तब तो फाई कॉन्स्टेंट रहता है। और हमें मालूम है कि मोटर की जो स्पीड होती है, मोटर की स्पीड हम कैसे दिखाते हैं, मोटर की स्पीड होती है हमारी एन इज़ प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए। ये सब चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीड कैसे आएगी, एफिशिएंसी कैसे आएगी, स्पीड रेगुलेशन कैसे होगा। तो अगर जो स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने आज नया ज्वाइन किया है या जो पीछे से नहीं जुड़े हुए आ रहे हैं वो प्लीज़ पीछे की वीडियो देख लें, तब ये चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू होता है वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाई, ठीक। अब अगर हमने कहा कि फाई इज कांस्टेंट, द स्पीड कैन बी, अगर हमने कहा कि फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो फिर हम लिख सकते हैं एन इज प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए, ठीक है, इफ फाई इज कांस्टेंट हम मान लें, ठीक। यहाँ तक आ गए। अब क्या होगा कि देखिए इसमें क्या है, अगर हम इसकी बात करें वी माइनस आई ए आई ए आर ए, तो एक तरह से क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप निगेटिव है। इसका मतलब हो गया
कि द स्पीड एन ऑफ द मोटर डिक्रीजेज लीनियरली विद द इंक्रीज इन आर्मेचर करेंट, यानी ये आर्मेचर करेंट है, ये स्पीड है, तो स्पीड जो है करेंट के साथ साथ लीनियरली डिक्रीज करेगी, ऐसे आएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में इस तरह आती है, जैसे जैसे आर्मेचर करेंट बढ़ता है स्पीड घटती जाती है मोटर की, क्लियर। तो ये हो गया आपका स्पीड आर्मेचर करेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए शंट और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ये आ गया, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि सिंस आई ए आर ए एट फुल लेड इज वेरी फुल लोड इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू वी, द ड्रॉप इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज वेरी स्मॉल, द डिक्रीज इन एन इज पार्शली न्यूट्रलाइज बाई ए रिडक्शन इन फाई ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, हेंस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज द शंट मोटर मे बी टेकन एज ए कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर। तो इसमें कह रहा है कि अगर जब हम आई ए आर ए जो है जो फुल लोड पे होता है, फुल लोड पे, ठीक, वो बहुत छोटा होता है इन कंपेरिजन ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो जो ड्रॉप होता है, द ड्रॉप इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, यानी स्पीड में जो ड्रॉप आता है, स्पीड जो कम होती है जब हम नो लोड कंडीशन से उसको हम मोटर को फुल लोड पे डालते हैं, ठीक है, तो इस पे ड्रॉप बहुत स्मॉल आता है। तो द डिक्रीज इन स्पीड इज पार्शली न्यूट्रलाइज बाई ए रिडक्शन इन फाई, तो ये जो स्पीड में डिक्रीज होता है ये फाई से काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए इस तरह की मोटर को, डीसी शंट मोटर को हम कांस्टेंट स्पीड मोटर भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड मोटर, इसको हम ऐसे डील करते हैं जैसे इसकी स्पीड कांस्टेंट हो। तो ये तो हो गया स्पीड आर्मेचर करंट की करेक्टरिस्टिक। अब सेकंड आ जाइए टॉर्क ऑब्लिक आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक, यानी अब हम देखेंगे टॉर्क और आर्मेचर करंट में कैसा ग्राफ आता है, आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक, ठीक है, टॉर्क या आर्मेचर करंट में कैसी करेक्टरिस्टिक आती है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो देखिए, सिंपली आपने क्या किया, आपने ये वाई एक्सिस लिया, ये एक्सिस लिया, यहाँ इस डायरेक्शन में हो गया हमारा आर्मेचर करंट और इस डायरेक्शन में हो गया हमारा टॉर्क, ठीक है। अब पहले मैथमेटिकली देखिए, तो मैथमेटिकली हम लोग पीछे टॉर्क की इक्वेशन पढ़ चुके हैं, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू होता है फाई इंटू ए, ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में आ चुकी थी। अब इसमें क्या है, इफ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज निग्लेक्टेड, अगर हम आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे तो ये फाई हटा देंगे तो टॉर्क सीधा सीधा प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, आर्मेचर करेंट के आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टॉर्क और आर्मेचर करेंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन अब इसमें कुछ चीज ध्यान देने वाली है, ये तो तब है जब हमने आर्मेचर रिएक्शन को क्या किया है, हमने निग्लेक्ट कर दिया है, ठीक। लेकिन अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, आर्मेचर रिएक्शन आप चाहे तो लिख सकते हैं, इफ आर्मेचर रिएक्शन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को भी कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर क्या इफेक्ट पड़ जाएगा। देखिए, अगर आप आर्मेचर रिएक्शन को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ फाई डिक्रीजेज स्लाइटली विद द इंक्रीज इन आर्मेचर करेंट, हेंस एट हायर वैल्यूज ऑफ आर्मेचर करेंट द ग्रॉस और टोटल टॉर्क डिक्रीजेज स्लाइटली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट टॉर्क जो आएगा हमारा, नेट टॉर्क वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ग्रॉस टॉर्क में से हम ये टी एफ और टी डब्ल्यू ये माइनस कर देंगे। अब इसमें देखिए, अच्छा नेट टॉर्क मतलब इसको हम दिखा सकते हैं टी एन, टी जी हो गया ग्रॉस टॉर्क और टी एफ क्या है, फ्रिक्शनल टॉर्क,
ये आप नोट कर लीजिएगा, प्रीवियस थ्योरी के लेक्चर में बताया जा चुका है। और टी डब्ल्यू क्या है? बाइंडेज टॉर्क। ठीक, तो ये और पिक्चर में आ जाएगा, फ्रिक्शनल टॉर्क और बाइंडेज टॉर्क। तो ग्रॉस टॉर्क में से ये माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब जो नेट टॉर्क आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन की बजाय ये ऐसे जाने के बाद इस तरह हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज करने लगेगा। तो ये तो हो गया टी जी। और जो टी एन आएगा, टी एन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो टी एन हमारा इस तरह ये आएगा हमारा नेट टॉर्क। ठीक, तो ये हो गया टॉर्क और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक, डीसी शंट या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए। ऐसे ही फिर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक हम लोग स्टडी करेंगे सीरीज मोटर के लिए। ठीक है, तो सीरीज मोटर में भी हम लोग यही दो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, स्पीड आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक और टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें जो है आप ये देखेंगे कि शंट मोटर से काफ़ी कुछ डिफरेंट आता है सीरीज मोटर में, जो ग्राफ आता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।